बूढ़े की ईमानदारी और उसके मेहनत की वजह से बूढ़े ने अपना एक खुद का पक्का घर बना लिया। रीमा के पापा भी खुशी खुशी शादी के लिए मान गए। शुक्रिया पापा जी। बेटा रीमा, जरा किचन में जाकर वो मिठाई तो लेकर आओ जो तुमने दामाद जी के लिए आज सुबह अपने हाथों से बनाई थी। मुझे उनका मुंह मीठा करना है। अरे पापा जी, आप उम्र में मुझसे बड़े हो और मैं आपका दामाद भी हो गया तो भी कोई बात नहीं। आप आगे भी मुझसे तू तेरा करके ही बात करना, मुझे वही अच्छा लगेगा। ठीक है भूरे जी। रीमा किचन में जाकर मिठाई लेकर आती है। रीमा के पापा पहले भूरे को और बाद में रीमा को भी मिठाई खिला देते हैं। अरे वाह रीमा, मिठाई तो बहुत अच्छी बनी है, क्या मुझे एक और मिल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। बेटा रीमा, अब तुम ही अपने हाथों से भूरे जी को मिठाई खिलाओ। पापा आप भी ना। रीमा शर्माते हुए किचन में चली जाती है। पापा जी अब मैं चलता हूँ, मुझे ये बात मेरे सारे दोस्तों को भी बतानी है और शादी की तैयारियाँ भी करनी है। ठीक है भूरे जी, हमें भी ये बात हमारे सारे रिश्तेदारों तक पहुँचानी होगी। और तुम चिंता मत करो, हम सारे मिलकर ये शादी बड़ी धूमधाम से करेंगे। भूरा खुश होकर रीमा के घर से निकलकर सीधा मिठाई के दुकान में आ जाता है और वहाँ से ढेर सारी मिठाई खरीदकर एक एक मिठाई का बॉक्स अपने एक एक दोस्त के घर बांट देता है। वो अपने सारे दोस्तों को अपने शादी की बात बता देता है। भूरे, मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूँ, अब हमें शादी की तैयारियों में लग जाना चाहिए। हाँ हाँ भैया, अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारा काम है। ठीक है भूरे, अगर मेरी कोई जरूरत पड़े तो मुझे जरूर बताना। कॉन्ग्रेचुलेशंस भूरे भैया। शुक्रिया लाड़ो। चलो अब मैं चलता हूँ, मुझे बहुत सारे काम है। अरे देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, ला 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 ला। अरे ओ टूनी की बच्ची, क्या हुआ तुझे? तू ऐसे उदास होकर क्यों बैठी है? कुछ नहीं मीनू मौसी, अब हमारे पास इतना सोना है कि हम पूरी जिंदगी भी इसे खर्च करते रहे तो भी ये खत्म नहीं होगा। फिर तो तुझे खुश होना चाहिए, लेकिन तू ऐसे मुंह लटका कर क्यों बैठी है? क्या बताओ मीनू मौसी, हम इन सिक्कों से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मुझे इस बात की खुशी नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है कि हमने कोई बहुत बड़ा पाप किया है। हमने भूरे भैया के साथ अच्छा नहीं किया, हमें उन्हें इसमें से उनका हिस्सा दे देना चाहिए था। अरे यार, तू फिर से इस टॉपिक पर आ गई। मैंने तुझे कितनी बार बताया है टूनी कि इस टॉपिक पर मत बोलना, फिर भी तेरे दिमाग से ये बात क्यों नहीं जा रही? और हमने कोई पाप वाप नहीं किया। तूने देखा नहीं कि भूरे ने उन जादुई बीजों से कितना सारा पैसा कमाया? मुझे तो अब लग रहा है कि उस दिन हमें उन बीजों को भी हमारे साथ लेकर आना चाहिए था, उनसे हम और भी ज्यादा अमीर हो जाते। अरे मीनू मौसी, ज्यादा लालच करना अच्छी बात नहीं है। ऊपर वाले के घर देर है लेकिन अंधेर नहीं। आप देखना, वो हमें हमारे गलती की सजा जरूर देगा। अरे अरे अरे, अब बस भी कर, और कितना बोर करेगी मुझे। तू ज्यादा लोड मत ले टूनी, और थोड़ा चिल कर। टूनी चिड़िया थोड़ी देर सोचने लगती है और मीनू मौसी को बोलती है। मीनू मौसी, आप एक काम करो, इन सोने के सिक्कों में से मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे एक काम करना है। बड़ी आई हिस्सा मांगने वाली। क्यूरी, तू मेरे साथ मेरे घर में कब से रह रही है? तब से लेकर आज तक तेरा सारा खाना पीना मैंने किया है, उनका हिसाब कौन देगा? अब मेरा मुंह क्या देख रही है? चली जा यहाँ से और दोबारा मेरे पास कभी मत आना। ठीक है मीनू मौसी, मैं जा रही हूँ,
लेकिन आप एक बात ध्यान में रखना, जब ऊपर वाले की लाठी चलती है तब उसमें आवाज नहीं होती। इतना घमंड अच्छा नहीं है। अरे जाजा, बड़ी आई मुझे सिखाने वाली। टूनी चिड़िया रोते हुए सीधा भूरे कौवे के पास आ जाती है। अरे टूनी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? टूनी चिड़िया भूरे कौवे को मीनू मौसी के बारे में सारी बात बता देती है। भूरे भैया, मुझे माफ कर दो, उस दिन मुझे आपका साथ देना चाहिए था, ना कि मीनू मौसी का। लेकिन मैं मजबूर थी, मुझे मीनू मौसी के साथ जाना पड़ा। लेकिन अब मुझे मेरे गलती का एहसास हो गया है। अब मैं मीनू मौसी के पास वापस कभी नहीं जाऊंगी। मैं भी मेरा आगे का जीवन आपके जैसी मेहनत और ईमानदारी से जीऊंगी। ये तो बहुत अच्छी बात है टूनी, और तुम माफी मत मांगो। अभी तुमने जो फैसला लिया है, बस उसके साथ आगे बढ़ो। लेकिन अब मैं क्या करूंगी? अब तो मेरे पास ना रहने के लिए घर है और ना ही करने के लिए कोई काम। बस इतनी सी बात? अरे टूनी बहन, जब ये भूरे भैया है तुम्हारे साथ तो टेंशन की क्या बात। मैंने मुसीबत के लिए मेरे घर के पास में ही पहले से ही एक और घर बना के रखा है, तुम वहाँ रह सकती हो। और रही बात काम करने की, तो तुम मेरे फलों के व्यापार में मेरा हाथ बटा सकती हो। बदले में मैं तुम्हें उसके पैसे दूंगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भूरे भैया, मैं मेरा काम बहुत अच्छे से करूंगी। शादी की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। सारे पंछी भूरे और रीमा के लिए बहुत खुश थे। कुछ दिन बीत गए और फिर एक दिन सारे पंछियों के मौजूदगी में भूरे और रीमा की शादी धूमधाम से हो गई। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, फिर एक दिन रात के समय रेडियो पर एक खबर आ गई। नमस्कार, जंगल बड़ीज न्यूज में आपका स्वागत है। अभी अभी हाथ आए ताज़ा खबरों के अनुसार, आने वाले दो दिनों में जंगल में तेज तूफान के साथ साथ मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। तो हमारे राजा जी ने आप सबको यह सूचना दी है कि आप अपने अपने घरों को मजबूत बना ले और सुरक्षित रहे। इसी खबर के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। देखते रहिए जंगल बड़ीज न्यूज। ये राजा भी ना पागल है पागल, और उसके साथ साथ वो मौसम की जानकारी देने वाले पंछी कभी भी कुछ भी बोल देते हैं। मुझे तो बारिश की कोई चिंता नहीं है, मेरा घोंसला भी मजबूत है और मेरे पास इतना सारा सोना भी है। मीनू मौसी को आने वाले खतरे का जरा भी अंदाजा नहीं था। उनके घमंड के आगे वो अंधी हो गई थी। मुझे बारिश के आने से पहले मेरे घोंसले की मरम्मत करनी होगी। अजी, अब हम क्या करेंगे? हमारा घोंसला तो बहुत कमजोर है। अगर बारिश के साथ साथ तेज तूफान आ गया तो हमारा घोंसला उसे नहीं झेल पाएगा। बुलबुल, तुम चिंता मत करो, मैं मेरे दोस्त भूरे से कुछ पैसे उधार लेकर हमारे घोंसले की मरम्मत कर दूंगा। दो दिन बीत जाते हैं। सब पंछियों ने इन दो दिनों में जितनी हो सके उतनी अपने घोंसले की मरम्मत कर दी। तीसरे दिन सुबह होते ही आसमान में घने काले बादल छा गए और थोड़ी ही देर में तेज तूफान के साथ साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। बिजली की कड़कड़ाहट से पंछी डरने लगे। बारिश इतनी तेज थी कि देखते ही देखते जंगल में बाढ़ आ गई। अरे ये क्या, ये घोंसले की छत से पानी अंदर कैसे आ रहा है? मैंने तो हाल ही में पूरे घर की मरम्मत करवाई थी। एक समय ऐसा आ गया, मीनू मौसी का घर बाढ़ के पानी में डूब गया और साथ ही साथ सोने के सिक्के भी चले गए। मीनू मौसी जैसे तैसे करके घोंसले से बाहर आ गई और बाढ़ के पानी में बहने लगी। बहते बहते वो भूरे के घर के पास से गुजर रही थी। मीनू मौसी मदद के लिए पुकारने लगी, बचाओ बचाओ, अरे कोई मेरे सिक्कों को बचाओ। अरे ये किसकी आवाज है, लगता है कोई मुसीबत में है। जैसे ही भूरा और रीमा ने घोंसले के बाहर आकर देखा, उन्हें मीनू मौसी बाढ़ के पानी में बहती हुई दिखाई दी। अरे बाप रे, ये तो मीनू मौसी है, मुझे उन्हें बचाना होगा।
वो उन्हें बचाने के लिए जा ही रहा था, तभी रीमा और टूनी ने उसे रोकते हुए कहा, अजी मीनू मौसी ने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप उन्हें बचाने के लिए जा रहे हो। हाँ भूरे भैया, आप अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने के लिए क्यों जा रहे हो? मैंने मीनू मौसी से कहा था, ऊपर वाले की लाठी जब चलती है तब उसमें आवाज नहीं होती, बह जाने दो उन्हें पानी में। नहीं नहीं, आप दोनों ऐसा मत कहो। माना कि मीनू मौसी ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन उनकी जान बचाना मेरा फर्ज है। भूरा पानी में कूद जाता है और अपने पंजों से मीनू मौसी को उठाकर अपने घोंसले में लेकर आता है। भूरे, मेरे सोने के सिक्के। अरे मीनू मौसी, क्या हो गया है आपको? क्या वो सोने के सिक्के आपके जान से ज्यादा बढ़कर है? भूरे भैया ने अपनी जान जोखिम में डालकर आपकी जान बचाई, उन्हें शुक्रिया कहने के बजाय आपको उन सिक्कों की पड़ी है। मीनू मौसी थोड़ी देर शांत हो गई, उन्हें उनकी गलती का एहसास हो गया। भूरे, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। मैंने लालच में आकर सोने के सिक्के तो ले लिए, लेकिन असली खजाना ये बीज थे जो तुमने चुने। तुमने न केवल खुद को बल्कि मुझे भी इस संकट से बचा लिया। भूरे ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं मीनू मौसी, गलतियाँ तो हम सभी करते हैं, लेकिन सबसे जरूरी बात है कि हमें उन गलतियों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए। दोस्तों, आप सबको एक रिक्वेस्ट है, आप सब हमारी कहानी देखते तो हो मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। अगर आपको जंगल बड़ीस की कहानियाँ अच्छी लगती है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इससे हमें नई नई कहानियाँ बनाने का मोटिवेशन मिलता है।